Hello students, so we were talking about the organic chemistry reagents और उसका second reagent है और reagent का नाम है pyridinium chlorochromate. देखिए सबसे पहली बात तो it is an oxidizing reagent. ये जो reagent है वो आपके पास में oxidizing reagent. देखिए oxidation जो है वो दो तरीके से होता है. ऑक्सीडेशन की जहाँ तक बात करते हैं तो दो तरीके से होता है. एक तो वाया एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कि जो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, और दूसरा वाया एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, वाया एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. तो हमारे पास में जो रिएजेंट है जो आप यूज़ करने वाले हैं ये बेसिकली इस कैटेगरी में आता है, दैट ऑक्सीडेशन वाया एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द हाइड्रोजन. अब जहाँ तक pyridinium क्लोरोक्रोमेट की बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द pyridinium क्लोरोक्रोमेट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ द स्ट्रक्चर विल बी ड्रॉन ऑफ द pyridinium क्लोरोक्रोमेट. So here we have chromium connected with oxygen. Chromium connected with oxygen. Chloro O minus and this pyridinium. This is basically pyridine, and when we add a proton over here it becomes pyridinium. So this is the cationic part and this is the anionic part. So it is what? This is chlorochromate and this is pyridinium. देखिए कॉमन सेंस की बात है, जब भी आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है तो उसके नाम के पीछे एट लगता है, ठीक है. सिंपल एनाइन के नाम के पीछे आइड लगता है, तो यहाँ पर आप क्या ऐड कर रहे हैं, एट क्लोरोक्रोमेट. जबकि जो कैटाइन्स होते हैं उनके नाम के पीछे ईएम लगता है, जैसे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम. तो ये आपके पास में क्या है, pyridinium C4 क्लोरो एंड C4 क्रोमेट. सो दिस इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट. सो यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिया. एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिए बहुत सारे लेक्चर ऐसे होते हैं जो YouTube पर अवेलेबल नहीं होते हैं. फॉर दैट यू कैन डाउनलोड नीट काका एप्लीकेशन, नीट काका जी एप्लीकेशन, जहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, डाउट सॉल्विंग वहाँ पर मिलेगी आपको, और साथ में बेहतरीन क्वालिटी के लेक्चर्स मिलेंगे. चलिए खैर हम लोग आगे बात करते हैं, हाउ इट वर्क्स. तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं. सो इट वर्क्स वाया एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. It abstracts two atoms of hydrogen, that is one mole of hydrogen. और जिसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कुछ ये H2CrO3, और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव विथ Cl-. दिस इज़ द बाई प्रोडक्ट, मतलब ये जो PCC है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो फाइनली यहाँ पर दो हाइड्रोजन इस क्रोमियम के पास में आती है. वो कहाँ से आती है ये हम लोग देखते हैं. यहाँ समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है. देखिए इसका यूज़ है लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीडेशन ऑफ 1 degree एंड 2 degree अल्कोहल्स, ठीक है. इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज 3 degree अल्कोहल्स, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल
आपके पास में कोई अल्कोहल है CH3 CH2 OH, आपने PCC यूज़ किया तो देर विल बी वॉट लिमिटेड ऑक्सीडेशन। और लिमिटेड ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन हट रहा है ना, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट रहा है, तो एट द एंड आपके पास ये बनता है CH3CHO। अगर मान लीजिए अल्कोहल आपके पास में 2 डिग्री है, ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, PCC की प्रेजेंस में देयर विल बी द लिमिटेड ऑक्सीडेशन, और आपके पास में क्या बन जाएगा CH3CO CH3। लेकिन फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मान लीजिए आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, तो इस 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ तो हाइड्रोजन आपको दिख रही है लेकिन यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन PCC से करवाएंगे तो देर विल बी नो ऑक्सीडेशन ना। PCC जो है एक बहुत अमेजिंग रिएजेंट है, आप ऑक्सीडेशन तो करवाते हैं बट किस टाइप का ऑक्सीडेशन, लिमिटेड ऑक्सीडेशन। देखिए K2Cr2O7 और KMnO4 के साथ में दिक्कत यही है कि वो एल्डिहाइड को आगे किस में ले जाएंगे, वो एल्डिहाइड को आगे ले जाएंगे किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस चीज़ को हम लोग, अगर रिएक्शन को मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन मेरे लिए यहीं पर आकर रुक जाए, तो यहाँ पर रोकने के लिए मैं जिस रिएजेंट का यूज़ करता हूँ उसका नाम है PCC। चलिए आगे समझते हैं व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, काम कैसे करता है हमारा PCC, एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास में अल्कोहल है, ठीक है, और इस अल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे करवाई, PCC के साथ में, जो है प्रीडीनियम क्लोरो क्रोमेट, एंड दिस इज लाइक दिस, सो इजी, ठीक है। ये हमारे पास में है PCC प्रीडीनियम क्लोरो क्रोमेट। अब क्या होता है जब इसकी रिएक्शन, देखिए ये ऑक्सीजन जो आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच सारे, और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इससे। तो जो क्रोमियम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जब आपने कोई अल्कोहल इंट्रोड्यूस किया, ये आपके पास में है प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या करता है, खुद के इलेक्ट्रॉन जो है इस क्रोमियम को ट्रांसफ़र करता है, और जैसे ही क्रोमियम को ट्रांसफ़र करता है आप देख सकते हैं यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड का ब्रेक होना सबसे आसान है। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी आती है, समझिएगा आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए देखिए लोगों को लगता है कि मैकेनिज्म क्यों याद करें, देखिए इसलिए याद करें क्योंकि आपको 2 या 4 मैकेनिज्म सही से समझनी है, उसके बाद आप अपने आप लिखने लग जाएंगे मैकेनिज्म, आप अपने आप लिखने लग जाएंगे। इसलिए अब स्टूडेंट क्या करता है, जैसे मैकेनिज्म आती है भाग जाता है, तो इसलिए वो ज़िंदगी में कभी मैकेनिज्म सीख नहीं पाता और कभी इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो अगर आप 1-2 बार मैकेनिज्म लिखेंगे तो बाकी मैकेनिज्म आप अपने आप लिखना सीख जाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक सॉल्विंग ए न्यूमेरिकल, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले 2-4 न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करते हैं। ऐसे ही मैकेनिज्म आपको 2-4 खुद लिखनी है, आप अपने आप सीख जाएंगे कि मैकेनिज्म लिखते कैसे हैं। चलिए आगे चलते, तो हमारे पास में ये जो अल्कोहल था CH3CH2OH, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए किसको, क्रोमियम को, Cr, उसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड O एज इट इज़ है, O माइनस एज इट इज़ है, और Cl एज इट इज़, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सारे गेम में काम की चीज़ तो यही है, ये तो इसको स्टेबलाइज करने के काम आता है, इट इज़ अ स्टेबलाइजिंग कैटायन, स्टेबिलाइजिंग कैटायन। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि PCC में रिएक्टिव पार्ट कौन सा है, तो PCC का रिएक्टिव पार्ट है क्लोरोक्रोमेट, दिस इज द रिएक्टिव पार्ट ऑफ द PCC, दिस इज नॉट द रिएक्टिव पार्ट, द रिएक्टिव पार्ट इज द PCC, दैट इज वॉट, क्लोरोक्रोमेट। तो जैसे ही बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज। अब आगे देखते हैं, ये आपके पास में है CH3 CH2 O+ H, यहाँ बन गया Cr O- double bond O O- Cr। अभी जो बॉन्ड हमारे पास में ब्रेक हुआ था, देखो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड वापस से फॉर्म होता है। और जब ये बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा तो एक बेटर लिविंग ग्रुप बाहर आएगा, और आपको पता है दुनिया में सबसे बेटर लिविंग ग्रुप्स में से एक होते हैं हैलाइड्स। ये पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड आप अगर बनता है और ये ब्रेक हो जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाता है तो इट डजंट मेक एनी सेंस, इट विल बी जस्ट ए रेजोनेंस। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो वापस से रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहां से जब ये बॉन्ड बनता है तो ये सीएल बाहर आता है, और जब सीएल बाहर आएगा तो कंडीशन ऐसी आएगी, देखना एक बार आप लोग, CH3 CH2 O+ H as it is, ठीक है, Cr double bond O, ठीक है, double bond O O-, और यहां पर आपके पास में कौन बाहर आ गया है, Cl-। अब देखना ये आगे, ये जो आपको ये सब्सटेंस दिख रहा है, यहाँ से इस ऑक्सीजन की ओर पॉजिटिव चार्ज है तो ये H प्लस यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो आपके पास में कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 O, Cr double bond O double bond O, और यहाँ पर आ गया आपके पास में OH। कुछ ऐसा सब्सटेंस आपके पास में जनरेट हो जाता है, बात समझ रहे हैं आप लोग, कुछ ऐसा सब्सटेंस आपके पास में जनरेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या होता है, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, तो अब हालात क्या हैं, अब हालात हमको समझने हैं। अब आगे क्या होगा, जो Cl- हमारे पास में रिलीज़ हुआ था, जो Cl- हमारे पास में रिलीज़ हुआ था, वो Cl- क्या करता है, वो Cl-, ये हमारे पास में एज इट इज कंडीशन है, अभी कोई चेंज नहीं आया है, एग्जाम्पल्स को फिलहाल हटा देते हैं हम लोग। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई CH3 CH2 ऑक्सीजन Cr double bond O double bond O OH। जो Cl- रिलीज हुआ था, वो Cl- क्या करता है, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो मेन कार्बन है, इस कार्बन से H प्लस आइन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब H प्लस आइन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3 CH- ऑक्सीजन Cr double bond O double bond O OH, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होते हैं जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाते हैं, और आपके पास में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, CH3 CH O+ Cr double bond O OH O-। इस O- के साथ में वो HCl फिर से रिएक्ट करता है, क्योंकि वो एट द एंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो Cl- यहाँ से बाहर निकल जाता है, और आपके पास क्या बनता है, Cr double bond O OH OH, और ये जो Cl- आपके पास रह गया, ये प्रिडीनियम पर जाकर अटैच हो जाता है। तो ये आपके पास में एक बाई प्रोडक्ट इसमें जनरेट होता है इस रिएक्शन में, ठीक है। एक बार कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग इस रिएक्शन के देख लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये है, इसकी रिएक्शन आपने PCC से करवाई, क्या बनेगा, तो आप देख सकते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये आपके पास में है 2 डिग्री अल्कोहल। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये
एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसको कीटोन में. तो यहाँ पर बनेगा आपके पास में एल्डिहाइड और यहाँ बन जाएगा आपके पास में कीटोन. ऐसे ही फॉर एग्जांपल कोई सा भी आपके पास में अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, उसकी रिएक्शन आप पीसीसी से करवाएंगे तो आपके पास में कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा. और प्राइमरी अल्कोहल जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन अगर आपने पीसीसी से करवाई तो इट विल कन्वर्ट इनटू सीएसटी. तो आज का हमारा रिएजेंट था पीसीसी. होपफुली आपको समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही है. थैंक यू.